वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी हेल्दी और चटपटी पालक की पूरी। ये पालक पूरी मैं दो कलर में बनाने जा रही हूँ, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए पालक पूरी बनाना शुरू करते हैं। पालक मसाला पूरी के लिए मैंने यहाँ फ्रेश पालक को काट के अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। अब मैं इसमें 4 से 5 हरी मिर्ची और थोड़ी सी लहसुन की कलियां डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर दूंगी। मैंने यहाँ इसको पीस कर अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम इसका अच्छे से डो बनाने के लिए मैंने यहाँ एक थाली ले ली। इसमें हम गेहूं का आटा डाल देंगे। इसके बाद मैं इसमें एक बड़ा चम्मच सूजी डाल दूंगी। मैंने यहाँ सिकी हुई सूजी ली है, आप चाहे तो कच्ची भी ले सकते हो। 1 टेबल स्पून नमक, 1 स्पून मैंने यहाँ अजवाइन ली, इसको मैं थोड़ा सा क्रश करके डाल दूंगी। 1/2 स्पून मैंने यहाँ जीरा लिया, इसको भी अच्छे से मैं क्रश करके डाल दूंगी। 1 स्पून मैंने सूखा धनिया लिया, इसको भी मैं डाल दूंगी। 1/2 स्पून लाल मिर्ची और 1 स्पून मैंने यहाँ ऑयल ले लिया है। अब हम इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जो हमने पालक का पेस्ट रेडी करके रखा था वो डाल देंगे। हमें इसमें पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना है, हम सिर्फ इससे ही अपना आटा लगाएंगे। आटा रेडी कर लिया है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब हम सेकेंड डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ ले लूंगी 1 स्पून नमक, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून मैंने अजवाइन लिए, इसको मैं अच्छे से क्रश करके डाल दूंगी। 1 स्पून मैंने जीरा लिया, इसको भी मैं अच्छे से क्रश करके डाल दूंगी। 1 स्पून मैं धनिया पाउडर डाल दूंगी। 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ सूजी ले लूंगी। 1 बड़ा चम्मच तेल ले लूंगी। अब इसे भी मैं अच्छे से मिक्स करके इसका एक डो तैयार कर लूंगी। आटा लगाते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हमें आटे को टाइट रखना है। तो मेरा डो रेडी हो चुका है, अब हम इसे 5 से 10 मिनट तक सेट होने के लिए रखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो हमारा डो अच्छे से सेट हो चुका है, अब हम इसमें से पेठे तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ बड़ी साइज के 2 पेठे बनाकर तैयार कर लिए। अब हम इसे रोटी जैसा बेल लेंगे, ऑयल लगाकर इसको अच्छे से बेल लेंगे। तो मैंने इसे बेलकर रेडी कर लिया। इसी तरीके से हम दूसरे पेठे को भी बेलकर रेडी कर लेंगे। तो मैंने इसे भी रेडी कर लिया है। अब हम इन दोनों को एक के ऊपर एक रख के डबल से बेल लेंगे। अब हम इसका एक पतला सा रोल बनाकर तैयार करेंगे। अब हम इसे छोटे छोटे लोई बना लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सारे रोल काट कर तैयार कर लिए हैं। अब हम पूड़ियां बनाने की तैयारी करेंगे। पूड़ियां बनाने के लिए हम सबसे पहले तेल को गर्म करने के लिए रख देंगे। हमारा तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम पूड़ियां बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हमारी सारी पूड़ियाँ बनके तैयार है, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे।
सब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे इसमें पूड़ियाँ डाल देंगे और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पलट पलट कर अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अब हमारी पूड़ियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सारी पूड़ियाँ फ्राई कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी सारी पूड़ियाँ बनके रेडी हो चुकी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से हम सारी पूड़ियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे।